आसम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट, सारा कुछ हम कवर अप करेंगे अपनी न्यू बुक के अकॉर्डिंग और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बट इन केस अगर आपके पास मैथ्स की ओल्ड बुक है, तो आपको अपनी ओल्ड बुक में से क्या करना है, आपको अपनी ओल्ड बुक में से मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 में पेज नंबर 76-88 प्लस पेज नंबर 91-92, इन पेजेस पर आपका एक 4.4 टॉपिक मेंशन है, जिसका नाम क्या है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको अपना कैंसिल करना है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, चाहे वो आपका एग्जाम्पल में हो, चाहे वो आपका एक्सरसाइज में हो। ठीक है, एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन अगर आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से है, तो वो आपको कवर अप नहीं करना, ये आपके सिलेबस में से डिलीटेड है। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर की इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सो देखो, चैप्टर नंबर 4 जो है ना, वो हमारा कुछ भी नया इंट्रोडक्शन नहीं है। जो अभी तक आपने चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है, उन्हीं दोनों को मिला करके आपका नया चैप्टर बनाया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। देखो कैसे, देखो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा पॉलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है, मैंने आपको पॉलिनोमियल्स का चैप्टर समझाते हुए बताया था कि आपके सिलेबस में किस टाइप के पॉलिनोमियल्स पढ़ने हैं। आपने सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ने हैं। राइट, लीनियर आप लोग क्लास 9th में सीख चुके हो, और क्यूबिक अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तीन टाइप के पॉलिनोमियल्स डिस्कस किए थे हमने, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। राइट, सो हम बात कर रहे हैं सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी। ठीक है, तो यहाँ भी किस कौन सी इक्वेशंस पढ़नी है हमने, क्वाड्रेटिक। तो इसकी भी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो क्या रहेगी, सेम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, कि जिसकी हाइएस्ट डिग्री क्या हो हमारी, 2 हो, उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब थर्ड चैप्टर की बात करते हैं। थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा इक्वेशंस के बारे में। इक्वेशंस में क्या था, कि हम इक्वेट कर रहे थे चीज़ों को, मतलब कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल थी, राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, यहाँ हमने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पढ़ी थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास 2 वेरिएबल्स में थी, और कैसी थी, लीनियर थी, मतलब इनकी जो हाईएस्ट डिग्री थी वो क्या थी हमारी, 1 थी। लेकिन क्या पढ़ा हमने यहाँ पे, इक्वेशंस के बारे में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होनी थी, इक्वल होनी थी। तो यहाँ पे भी अब वही चीज़ है, क्वाड्रेटिक तो ये हो गई, और इक्वेशन के लिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, इक्वल टू जी। तो ये बन गया हमारा नया चैप्टर, जिसका नाम दे दिया हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है जी, वापस आते हैं सेकेंड चैप्टर पर। अब सेकेंड चैप्टर में पॉलिनोमियल्स में हमने जब यहाँ पे इसको पॉलिनोमियल को सॉल्व किया था, सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करी थी हमने, तो कौन सा मेथड हमने यहाँ पे, इसको हमने क्या नाम दिया था, जीरोस फाइंड आउट करना। ठीक है, जब हम x की वैल्यू निकालते थे, कोई x की वैल्यू निकलती थी, तो उसको हम क्या बोलते थे, कि हम क्या फाइंड आउट करें, जीरोस फाइंड आउट करें। ठीक है, थर्ड चैप्टर में जब हमने x और y की वैल्यूज़ निकाली, x की कुछ वैल्यू निकाली और y की कुछ वैल्यू निकाली, तो उस चीज़ को हमने क्या नाम दिया, उसको हमने नाम दिया सॉल्यूशन। ठीक, डन। इसी तरह से अब फोर्थ चैप्टर में जब हम x की कोई वैल्यू निकालेंगे, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, कि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। डन, समझ में आई बात, यहाँ जीरोस बोलते हैं, यहाँ सॉल्यूशन बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। ठीक है, वापस आते हैं सेकेंड चैप्टर पे। सेकेंड चैप्टर में जब हमने जीरोस निकाली थी, तो जीरोस निकालने का हमने क्या मेथड पढ़ा था, हमने जीरोस निकालने के 2 मेथड्स पढ़े थे। एक फर्स्ट एक्सरसाइज में अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था ग्राफिकल मेथड, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, दूसरा मेथड हमने पढ़ा था बाय फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर इसी मेथड को हम क्या नाम देते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। 2 नाम होते हैं इसी मेथड के, फैक्टराइजेशन भी इसी को बोलते हैं, और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी हम इसी को बोलते हैं। ठीक है, याद आया कुछ, जैसे हमने किया था कि ये जो 3 है, हमको क्या चाहिए होता था, पहले हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 था
8 को हम ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं कि उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके तो 8 आ जाए, लेकिन प्लस माइनस करके क्या आ जाए, ये बीच वाली टर्म हमारी 3 आ जाए। ठीक है, इस टॉपिक को आप डिटेल में वीडियो में से समझ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो। राइट, अभी हम अपने चैप्टर की बात करें। जैसे जब हमने सॉल्यूशंस निकाले थर्ड चैप्टर में, तो हमने कौन कौन से तीन मेथड्स पढ़े, सबसे फर्स्ट हमने पढ़ा ग्राफिकल मेथड, ठीक है, देन सेकंड मेथड हमने पढ़ा अपना एलिमिनेशन मेथड, और हमने कौन सा मेथड पढ़ा, अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड। राइट, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और ग्राफिकल, इन दोनों को जो कंबाइंड है, मतलब एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन जो है वो किसके अंडर आते हैं, अलजेब्रिक के अंडर। राइट, तो कुछ बुक्स में आपको क्या मिलेगा कि आपको सिर्फ दो ही मेथड्स बताएंगे, एक ग्राफिकल और एक अलजेब्रिक। अलजेब्रिक फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, समझ में आई बात। तो इसी तरह से जब हम यहाँ पर अब रूट्स निकालेंगे, तो रूट्स निकालने के भी हमारे पास दो मेथड्स हैं, जिसमें से फर्स्ट मेथड क्या है हमारा, यही फैक्टराइजेशन जो आपने यहाँ सीखा था, एग्जैक्टली सेम हमारा मेथड यहाँ पर रहेगा विदाउट एनी डिफरेंस। ठीक है, ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। राइट, देन सेकेंड मेथड कौन सा है, सेकेंड मेथड जो हमको नया पढ़ना है उसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। राइट, ये सब कुछ अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर आपके पास तीन टर्म्स आती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपको ये फार्मूला अच्छे से याद करना है, ठीक है, देन आपको एक टर्म पता होनी चाहिए जो क्या होती है हमारी, डिस्क्रिमिनेंट। राइट, डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी इसको। राइट, क्वाड्रेटिक फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट, और थर्ड हमारे पास क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स, कि रूट्स का जो नेचर है वो कैसा है, रूट्स का नेचर जो हम ये रूट्स फाइंड आउट कर रहे हैं उनका नेचर कैसा है। ठीक है, ये कंप्लीट ओवरऑल इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर की, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में इसके अलावा आप और कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। राइट, सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एग्जांपल स्टेटमेंट में क्या लिखा है उन्होंने, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। मतलब अब आप जो अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करोगे उसमें आपने सॉल्यूशंस फाइंड आउट नहीं करने, अभी रूट्स फाइंड आउट करने नहीं सीखने, अभी सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी सीखनी। ठीक है, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। राइट, सो देखो क्या बोला है उसने, जोहन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। स्टेटमेंट के आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, जहाँ पर भी मैंने आपको समझाया कि जहाँ पे भी आपको इस तरह से दो नाम दिख जाएं, जब हमने एज के क्वेश्चंस किए थे तो हमने फादर और सन की एज लेट कर ली थी, हमने पेंसिल और इरेजर्स के क्वेश्चंस किए थे, वहाँ पे हमने पेंसिल और इरेजर्स का प्राइस लेट कर लिया था एक्स एंड वाई, तो सेम काम हम यहाँ पर करेंगे। लेट जोहन हैव मार्बल्स, सपोज जोहन के पास जो मार्बल्स हैं वो कितने हैं हमारे, x मार्बल्स हैं, तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे, जीवंती विल हैव मार्बल्स इक्वल टू 45 माइनस x हो जाएंगे। ठीक है, क्यों हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के पास टोटल कितने हैं हमारे, 45 मार्बल्स हैं। राइट, जैसे हम लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस में टू वेरिएबल्स में कर रहे थे, सपोज इसके पास कितने हैं, y मार्बल्स हैं, तो दोनों के पास टोटल मतलब x प्लस y कितना होना चाहिए हमारा, 45, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, क्योंकि मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो जो भी एक्स्ट्रा पार्ट लिखा है x, उसको हम कहाँ शिफ्ट कर देंगे, राइट हैंड साइड, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 45 माइनस x आ गई। ठीक है, यहाँ पे हमने सिंगल वेरिएबल में ही बात करनी है, इसलिए हमने यहाँ पे 45 माइनस x लिखा, x की फॉर्म में लिखा, लेकिन जब हम थर्ड चैप्टर कर रहे थे तब हम टू वेरिएबल्स में क्वेश्चंस कर रहे थे, तो हम x और y लेट करके इस तरह से लिखते थे। ठीक है, समझ में ये बात, आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने क्या बोला है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने 5-5 मार्बल्स लूज कर दिए। ठीक है, सो हम यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, अगर 5 मार्बल्स हमारे लूज हो गए तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, नाउ जोहन हैव मार्बल्स इक्वल टू कितने हो जाएंगे, x माइनस 5 हो जाएंगे, 5 लूज कर दिए तो मतलब 5 माइनस कर देंगे, सिंपल सा लॉजिक है ये तो। राइट, इसी तरह से जीवंती के पास भी कितने मार्बल्स हो जाएंगे, जीवंती के पास हो जाएंगे मार्बल्स, पहले कितने थे, 45 माइनस x थे, इसमें से मुझे क्या माइनस करना है, 5 माइनस करना है,
है, ठीक है। तो 45 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, 40 माइनस एक्स, ये एक्स एज इट इज़ लिख दिया मैंने, सिंपली 45 में से 5 माइनस किया तो आ गया 40 एंड दिस माइनस एक्स एज इट इज़, राइट, अंडरस्टूड। नाउ अब उन्होंने क्या बोला है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव इज 124, कि अब जब उन्होंने ये 5-5 मार्बल्स लूज कर दिए ना, तो 5-5 मार्बल्स लूज करने के बाद इनके पास क्या हुआ कि इन दोनों मार्बल्स का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 124, ठीक है। बस इस सिचुएशन को हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना, राइट। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में इसको छोड़ेंगे। अब कैसे करते हैं, जब ब्रैकेट्स होती हैं मल्टीप्लाई, तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, देन इस एक्स को इस एक्स से मल्टीप्लाई। सो करो, एक्स को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 40x, देन इस एक्स को एक्स से करेंगे तो कितना आएगा माइनस एक्स स्क्वेयर। अब इस 5 के साथ हम सेम काम करेंगे पूरी ब्रैकेट पे, मतलब इस 5 को पहले 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इस 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर एक और टर्म होती तो उसको भी हम ऐसे ही करते, पहले 40 से फिर x से। तो 5 को 40 से करेंगे तो कितना आएगा माइनस 200, देन माइनस माइनस प्लस 5x, दिस इज इक्वल टू 124, अंडरस्टूड। अब क्या करते हैं, हम सेम टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब देखो जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ और नहीं है, एक्स स्क्वायर वाली कोई और टर्म नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपल माइनस एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज आ जाएगा। अब ये एक्स वाली टर्म है 40x और ये क्या है 5x, तो ये दोनों सिंप्लीफाई होंगे, इन दोनों का प्लस माइनस होगा, राइट, और किसी के साथ हम प्लस माइनस इनको नहीं करेंगे। तो 40 प्लस 5 कितना बन गया हमारा 45x। देन ये क्या है, सिंपल मैथ्स के दो नंबर्स हैं, ठीक है, तो ये दोनों सिंप्लीफाई होंगे। तो ये 200 माइनस का है, उधर शिफ्ट होकर के किसका हो जाएगा प्लस का, सो दैट मीन्स हमारे पास क्या आंसर आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, दिस इज इक्वल टू 324। तो ये बन गई हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अंडरस्टूड, समझ में आई बात, ठीक है। सेकेंड पार्ट पर मूव ऑन करते हैं। तो नाउ एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, फिर से वही काम करना है, हमने इस गिवन इक्वेशंस को किस में रिप्रेजेंट करना है, मैथमेटिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। मतलब इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी हो हमारी 2, राइट। देन क्या बोला है उन्होंने, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, क्या है कोई एक इंडस्ट्री है वो क्या कर रही है, कुछ टॉयज प्रोड्यूस कर रही है एक दिन में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे इन वन डे इज इक्वल टू, ठीक है जी, समझ में आई बात, जो चीज़ हमें नहीं पता हम उसको लेट कर लेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाइंड आउट टू बी। अब नेक्स्ट उन्होंने किसकी बात की है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉय, ठीक है, टॉय की प्रोडक्शन की कॉस्ट की बात की है उन्होंने, तो मैंने वो लिख लिया, कितनी है, वॉज फाइंड टू बी, इतनी थी, कितनी थी, यहाँ से पढ़ते हैं क्या है, कितनी थी, क्या लॉजिक है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, एक दिन में कितने टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्स टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो यानी कि एक टॉय को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है, एक टॉय को प्रोड्यूस करने की, वो कितनी है हमारी 55 माइनस एक्स है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, ये तो हमारी एक टॉय को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है, ठीक है। जैसे वही बात है, जैसे मान लीजिए आप एक शॉपकीपर से 5 पेंसिल्स खरीदते हैं और शॉपकीपर ने कहा कि एक पेंसिल का जो प्राइस है वो कितना है, ₹2 है, तो आप कैसे निकालेंगे टोटल कॉस्ट, 5 × 2, मतलब क्वांटिटी को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, प्राइस से। तो यहाँ भी वही बात है, टोटल कॉस्ट निकालनी है तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, कितने टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्वांटिटी कितनी है x और प्राइस कितना है 55 माइनस x, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, सिंपली मल्टीप्लाई, तो ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट, ठीक है। आगे पढ़ो स्टेटमेंट को क्या लिखा है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750, ये टोटल कॉस्ट हमने निकाली है जो हमने इमेजिन की थी, और क्वेश्चन में हमें किसके इक्वल दी है, टोटल कॉस्ट 750 के, तो ये दोनों टर्म्स हमारी क्या हो जाएंगी,
इक्वल हो जाएंगे, राइट। फिर से अब वही चीज़, अब ब्रैकेट के बाहर हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो कैसे करेंगे, इस नंबर को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस नंबर को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्या आ जाएगा, 55x एंड देन x को x से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 750। ठीक है, आपकी क्वाड्रेटिक बन गई, हाईएस्ट डिग्री कितनी आ गई, 2 आ गई। आप क्वेश्चन को यहाँ भी छोड़ सकते हो, बट जो एक स्टैंडर्ड तरीका होता है ना लिखने का क्वेश्चन को, वो हमारे पास क्या होता है कि जनरली हम कंसीडर करके चलते हैं कि जो हमारा एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ना, वो माइनस में ना हो के किस में हो, प्लस में। तो इसको उस तरफ शिफ्ट कर दो एक्स स्क्वायर, इसी तरह से ये 55x भी उधर शिफ्ट हो जाएगा माइनस का, देन प्लस का 750, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया मैंने, जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है ना, दिस इज इक्वल टू 0। मतलब सारा कुछ हमारे पास एक ही साइड पर होता है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड पर चाहे राइट हैंड साइड पर, तो वही काम मैंने यहाँ पर कर दिया। अदरवाइज अपना आंसर आप यहाँ भी छोड़ सकते हो। ठीक, डन, आगे बढ़ते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को क्या बताना है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। हमें बताना है कि ये इक्वेशंस हमारे क्वाड्रेटिक हैं या नहीं है। टोटल 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए कंडीशन क्या है, सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जो हमारा हाईएस्ट डिग्री है एक्स की, वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, अगर हाईएस्ट डिग्री 2 आती है तो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक नहीं है। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, देखो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है हमने यहाँ पर, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी होती है हमारी, राइट। सो अब आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, ये a है और ये b, सो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी, बी क्या है 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, देन माइनस 2a, a कितना है, a है हमारा x और b कितना है हमारा, b है हमारा 2। देन आगे की स्टेटमेंट एज इट इज़ लिखनी है। स्टूडेंट्स आगे की स्टेटमेंट लिखने में गलती कर देते हैं, हमने जिस पार्ट पे फॉर्मूला लगाया है ना, बस उसी को छेड़ना है, बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, सो ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 4x, देन प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 3, राइट। अब मैंने आपको सिंप्लीफाई करने का मेथड क्या बताया, कि आपने सेम पावर्स की टर्म्स को मल्टीप्लाई, वो सेम पावर्स की टर्म्स को आपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी, जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कुछ और है यहाँ पे, कोई और टर्म है, नहीं है, तो इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख दो। ठीक है, अब आती है बात नेक्स्ट 4 की, 4 के साथ क्या क्या मैच हो रहा है, 1 और ये 3, ये 3 इधर आकर के किसका हो जाएगा, प्लस का, 4 प्लस 1 प्लस 3 बन गया, 4 प्लस 1 प्लस 3। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है माइनस का 4x, x के साथ और क्या है, ये इधर x है, इधर वाली साइड राइट हैंड साइड सब कुछ खत्म हो गया, जब सब खत्म हो जाता है तो क्या लिखते हैं, वहाँ पर हम 0 लिखते हैं, क्वेश्चन डन हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 5 5 प्लस 1 5 प्लस 3 8, और 4 और 2 ये दोनों सिंप्लीफाई होके कितना आंसर आ जाएगा, माइनस का 6x। ठीक है, कैसे आया माइनस का 6x, क्योंकि दोनों के साथ सेम साइन है, जब सेम साइन होता है तो हम नंबर्स को प्लस करते हैं और साइन लगाते हैं बड़ी स्टेटमेंट का। ठीक है, तो अब इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो येस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। समझ आई बात, हमने क्या किया, ठीक है, सिंपल इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना और उसकी हाईएस्ट डिग्री चेक करनी है, डन। आगे बढ़ते हैं पार्ट पे। अब सेकेंड पार्ट में क्या करना है, फिर से वही मल्टीप्लिकेशन हो रही है जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में की, कि बाहर कुछ लिखा हुआ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, पहले इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, x की पावर 2, देन x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा सिंपली x, देन प्लस का 8, दिस इज इक्वल टू। अब ये वाली मल्टीप्लीकेशन भी अभी सिखाई कैसे करनी है, पहले ये x जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन जो ये 2 है, ये 2 भी हमारा इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करो, x को x से करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, फिर इसी x को जब माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 2x, देन अब इस 2 को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 2x। अब इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2 से, 2
टू को मल्टीप्लाई करना है माइनस टू से, तो आंसर कितना आएगा माइनस का फोर, राइट। सो ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। आप कैंसिलेशन करो, कुछ कैंसिल आउट होता है, 2x से 2x कैंसिल आ जाएगा क्योंकि दोनों के अपोजिट साइंस हैं, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ से x square और x square कैंसिल आउट हो गया, राइट। जब इक्वल टू के अपोजिट साइड्स पे दोनों टर्म्स होती हैं तो साइंस सेम होने चाहिए कैंसिलेशन के, लेकिन अगर टर्म्स एक ही साइड पर हैं तो साइंस कैसे होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, ठीक है जी। सिंप्लीफाई करो अब, और x के साथ कुछ और है यहाँ पे बचा हुआ, नहीं है तो एज इट इज लिख दो। सिंपल मैथ्स का नंबर पड़ा है कोई और, पड़ा है माइनस का फोर, इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो और इधर क्या कर दो, जीरो। तो x प्लस टू ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो, सो आपको पता चल गया इट्स नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है जी, डन। आगे बढ़ते थर्ड पार्ट पर। सो अब मैं थर्ड पार्ट जो है वो स्किप कर रही हूँ आपके लिए, क्योंकि आपको थर्ड पार्ट खुद से सॉल्व करके देखना है कि आपको ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन और इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना कितना समझ में आया है, राइट। अगर समझ में आया तो खुद से सिंप्लीफाई करके कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर दीजिएगा, राइट। सो स्टार्ट करते हैं आप अगला पार्ट। अब इस अगले पार्ट को हमने क्यों कंसिडर किया, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी अलग अलग नहीं थी, सो इसलिए हम इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। यूजिंग द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करनी है इसमें, a प्लस बी होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 दी है, तो कितना होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ठीक है। दो फॉर्मूले होते हैं, कई बार आपको ऐसे भी दिखेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस, राइट। करना क्या होता है इसमें, फिर आपको वही खोल के इसकी मल्टीप्लिकेशन करके, ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन करके जैसे सिखाई है आपको अभी, आपके पास फाइनल यही रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करो, क्या आ जाएगा a प्लस बी, मतलब x का करेंगे तो कितना आएगा x क्यूब प्लस b का क्यूब, b क्या है 2 है, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8। क्यूब क्या होता है, क्यूब का मतलब क्या होता है कि उसी नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स। पावर का मतलब ही यही होता है, जितनी भी उसकी पावर है उस नंबर को उतनी ही बार उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर 2 की पावर 4 होती तो 2 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करती, यहाँ पर 4 टाइम्स। समझ में आई बात, डन। आगे बढ़ते हैं, प्लस 3 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर इंटू बी, बी कितना है 2 है। जब नंबर्स के बीच में जब इस तरह से टर्म्स लिखी होती हैं, कोई साइन नहीं होता, तो वो मैथमेटिकली अंडरस्टूड होता है साइन किसका है, मल्टीप्लिकेशन का। आगे बढ़ते हैं, 3a, a कितना है हमारा x इंटू बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा कि 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया हमारा 4। ये तो हमने ये वाला पार्ट सॉल्व किया, बाकी बचे हुए पार्ट में कुछ भी चेंज नहीं करना, एज इट इज स्टेटमेंट चुपचाप लिखते हैं, ठीक जी। समझ में आई बात, अब उठाओ स्टेटमेंट सिंप्लीफाई करनी स्टार्ट करो। एक्स क्यूब ये है और एक एक्स क्यूब ये है, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, क्योंकि दोनों इक्वल टू के अपोजिट साइड पर पड़े हैं और दोनों के साइन कैसे हैं हमारे, सेम साइंस हैं, ओके। और सिंप्लीफाई करते हैं, ये मैथ्स का नंबर है, ये भी सिंपल मैथ्स का नंबर है, बिना एक्स वाई बिना किसी चीज़ के है, तो इसको इधर ले आएंगे 4 को, तो 8 प्लस 4 बन गया। इसी तरह से ये सिंप्लीफाई होके क्या बनेगा, 6x स्क्वायर बनेगा, और ये सिंप्लीफाई होके क्या बनेगा, 3/4 था 12x, और इधर साइड कुछ नहीं बचा इसलिए क्या लगा दी हमने, 0 लग दिया। सो लिख दो, 8 प्लस 4 कितना हो गया 12 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब ये दोनों आपको समझ में आया कि सिंप्लीफाई नहीं होंगे, बिकॉज ये x स्क्वायर है, ये x है, ये सिंपल मैथ्स का नंबर है, तीनों में से कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे पास सेम पावर हो, जिसको सेम कॉन्सेप्ट पर लिखा गया हो, मतलब कि 6x स्क्वायर, x स्क्वायर की कोई और टर्म यहाँ पर नहीं है, x स्क्वायर किसके साथ प्लस माइनस होगा, x स्क्वायर के साथ ही प्लस माइनस होगा, अदरवाइज वो प्लस माइनस नहीं होगा, एज इट इज लिख दिया जाए, ठीक है जी, डन। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1, और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड इफ़ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक यू।